कांग्रेस कार्य समिति ने आह्वान किया कि समय की मांग है कि एक नए स्वतंत्रता संग्राम की, वर्धा की, सेवाग्राम की इस पुण्य भूमि से पुनः शुरुआत हो। एक ऐसी मोदी सरकार के खिलाफ जिसने देश में बंटवारे और पूर्वाग्रह का वातावरण पैदा किया है, एक ऐसी मोदी सरकार के खिलाफ जिसकी राजनीति का आधार भय व डर है, एक ऐसी मोदी सरकार के खिलाफ जिसकी कार्यशैली ध्रुवीकरण पर आधारित है, एक ऐसी मोदी सरकार के खिलाफ जिसकी सोच हर आवाज को दबाने और उसका गला घोटने की है, एक ऐसी मोदी सरकार के खिलाफ जिसका चरित्र हिंदुस्तान की बहुलतावाद को समाप्त कर उन्माद फैलाना है। भारतवर्ष सदैव भिन्न भिन्न भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों व संस्कारों का, बहुलतावाद का गुलदस्ता रहा है। भारतवर्ष में जड़ता का कोई स्थान नहीं। कांग्रेस कार्य समिति ने यह नोट किया कि मोदी सरकार ने संवैधानिक मूल्यों व मानवीय मूल्यों को कुचल केवल प्रतिशोध की राजनीति की है, जिसकी नींव झूठ, धोखा, बेईमानी और छल की भाजपाई शैली पर आधारित है। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी नोट किया कि महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को भाषणों में व्यक्त करना तो आसान है, परंतु सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव की गांधीवादी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करना उन व्यक्तियों के लिए असंभव है जो गांधी जी का नाम केवल राजनीतिक अवसरवादिता के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बापू के चश्मे को राजनीतिक प्रचार के लिए उधार तो ले सकते हैं, मगर उनके सिद्धांतों को अपनाए बिना उनके आदर्शों पर अमल नहीं कर सकते। कांग्रेस कार्य समिति ने यह संकल्प भी लिया कि खोखले आदर्शों व दोहरे चरित्र वाले ऐसे सब समूहों और व्यक्तियों को हम बेनकाब करेंगे जिन्होंने कभी भी गांधी जी के द्वारा दिखाए सच्चाई, सहिष्णुता, समरसता और अहिंसा के प्रशस्त मार्ग को नहीं अपनाया। कांग्रेस कार्य समिति ने यह संकल्प लिया कि महात्मा गांधी का वो दृढ़ विचार व इरादा कि हर आवाज को सुना जाए और उन सब ताकतों को निर्णायक तौर से परास्त किया जाए जो भारत के युवाओं, भारत के नागरिकों की उम्मीद व बढ़ते कदम को रौंदती व रोकती हैं, उस संकल्प पर कांग्रेस पार्टी और उसके हर सारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा जी और शास्त्री जी दोनों की अटूट प्रतिबद्धता में अपना विश्वास दोहराया और कहा कि चुनावी लड़ाई से भी आगे बढ़कर ये विचारधारा की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, जब तक पूरा देश बंटवारे की राजनीति, भय और नफरत की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, देश को अवनति के रास्ते पर ले जाने की राजनीति, देश में भाई से भाई को लड़वाने की राजनीति, देश में गरीबों, शोषितों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आखिरी पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति पर अत्याचार की राजनीति का निर्णायक अंत नहीं हो जाता। एक दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया और उस प्रस्ताव में मुख्य तौर से जिस प्रकार से किसानों पर मोदी सरकार जुल्म और अत्याचार कर रही है उसकी कठोर निंदा की गई। कांग्रेस कार्य समिति ने यह नोट किया कि आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, आज जय किसान जय जवान का नारा जब पूरे देश में गूंज रहा है, उन महान विभूतियों की जयंती पर हजारों किसान जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के द्वार आए थे, उनकी पीड़ा की हुंकार
और व्यथा की चीत्कार सुनने की बजाय अहंकारी और क्रूर मोदी सरकार ने उन पर बर्बरता पूर्ण लाठियां चलाई, अश्रु गैस चलाई, वाटर कैनन्स चलाई, किसान को पुलिस के घोड़ों की टापों और लाठियों के नीचे रोंदने का मोदी और योगी सरकार द्वारा कुत्सित प्रयास किया गया। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।